हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। रहली विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाए हैं कि रहली विधानसभा क्षेत्र से गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष हैं। इस कारण से कमलनाथ सरकार यहां पर किसानों के प्याज के पैसे नहीं दे रही है। सागर जिला प्याज के पैसों के लिए छूटा हुआ है। इस संबंध में किसानों ने एकत्रित होकर तहसील में जाकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीते वर्ष मई जून में प्याज की सरकारी खरीदी में राज्य सरकार ने भावांतर की राशि रोक ली। यह राशि किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल के मान से मिलना थी। राज्य सरकार ने सागर जिला छोड़कर प्रदेश के 20 जिलों में प्याज की सरकारी खरीदी के लिए मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के तहत 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन जिलों में सागर संभाग का एक भी जिला नहीं है, जबकि पड़ोस के रायसेन से लेकर विदिशा मध्यांचल के लगभग सभी प्याज उत्पादक जिले शामिल हैं। रहली और गढ़ाकोटा क्षेत्र विगत वर्षों में प्याज उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। किसानों द्वारा व्यावसायिक स्तर पर प्याज का रकबा बढ़ाया जा रहा है। विगत वर्ष बाजार में शुरुआत की प्याज के दाम बहुत कम रहे। मजबूरी में किसानों द्वारा 100 रुपए से लेकर 200 रुपए क्विंटल के भाव से कुछ प्याज बेचना पड़ी, जिसके कारण शासन द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि 400 रुपए प्रति क्विंटल प्रदान करने की घोषणा की गई और किसानों ने यथासंभव स्टॉक कर प्याज को कम दामों पर बाजार में नहीं बेचा और शासन द्वारा भावांतर योजना प्रारंभ होने का इंतजार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लंबे समय तक प्याज घरों में और बेयर हाउसों में रखना पड़ा। इसी दौरान लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, जिसके कारण प्याज की प्रकृति के अनुसार कुछ प्याज खराब भी हो गई। सरकार द्वारा समय पर खरीदी न करने के कारण किसान पहले ही प्याज की खेती कर आर्थिक नुकसान में चले गए। यदि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार भावांतर योजना में प्याज की खरीदी नहीं की गई होती, किसानों का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि से भी कई गुना अधिक राशि का लाभ प्राप्त हो सकता था। लेकिन सरकारी स्तर पर विधि अनुसार प्याज खरीदी शुरू होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात पर विश्वास करके किसानों ने योजना के तहत प्याज बेची। जून 2019 में मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्याज की खरीदी की गई। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6 माह बाद सागर जिले को छोड़कर कुछ जिलों के किसानों को प्याज भावांतर का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें सागर जिले की रहली और गढ़ाकोटा मंडी के किसानों को भुगतान नहीं किया गया, जो कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण प्रतीत हो रहा है। आज प्याज के संबंध में सभी किसानों ने ज्ञापन दिया। सागर जिले के किसानों के लिए वंचित रखा गया है इससे, जो भावांतर की राशि सरकार ने जारी की थी वो सागर जिले के किसानों के लिए नहीं दी जा रही, जिसके संबंध में किसानों ने तहसीलदार मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन। प्याज का जो प्रोत्साहन राशि के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 800 रुपए क्विंटल के भाव से आपके लिए जो भी अंतर रहेगा प्याज कम रेट में मिलेगी तो उसमें आपको अंतर दिया जाएगा, मगर पूरे मध्य प्रदेश में सागर जिले के लिए मैं भेदभाव पूर्ण छोड़ दिया गया है कि आपके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए प्याज का जो भावांतर राशि है वो मिले, सभी के लिए किसानों को उसका फायदा मिले, क्योंकि आगे की फसलों में उनके लिए यूरिया की जरूरत पड़ रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं, सभी को पैसों की जरूरत है, सभी उनको पैसों का उपयोग कर सकेंगे। प्याज उत्पादक किसान हैं सभी और मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना में सभी किसानों ने प्याज बेचा था और बहुत कम दामों में बिका, तो शासन की योजना थी कि यदि किसान का प्याज कम रेट पर बिकता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन 21 जिलों में शासन ने 116 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, लेकिन सागर जिले के लिए 1 रुपये भी आवंटित नहीं हुआ। तहसीलदार महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे आज इसलिए क्योंकि हमारी जो प्याज प्रोत्साहन राशि है वो भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण डाली नहीं जा रही है। सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई हित का कार्य नहीं कर रही है। हमें पिछले गेहूं के पैसे भी नहीं आए, चने के पैसे भी नहीं आए। अगर ये नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार किसानों के साथ या आम जनता के साथ भेदभाव करने लगेगी।